350 साल बाद संस्कृति फारसी के विद्वान और मुगल काल के सबसे उदार शहजादों में से एक दारा शिकोह की कब्र को खोज लेने का दावा किया गया है। दरअसल दारा शिकोह की विरासत खोजने के लिए 3 साल पहले भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और अब उस कमेटी में शामिल के मोहम्मद और बीआर मणि जैसे मशहूर पुरातत्वविदों ने दारा शिकोह की कब्र की पहचान कर अपनी सहमति दी है। दारा शिकोह की कब्र इतने अरसे तक क्यों गुमनामी में रही और एक लंबे शोध के बाद इसे कैसे खोजा गया है, रविशंजन शुक्ला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में मुगलों की यह सबसे बड़ी कब्रगाह हुमायूं का मकबरा है। यहां 150 से 160 कब्रें हैं। इनमें उपनिषदों का अनुवाद करने वाले और मुगल काल के सबसे विद्वान शहजादों में से एक दारा शिकोह की भी है। दरअसल दिल्ली और आगरा के लोगों के बीच दारा शिकोह खासा लोकप्रिय था। दिल्ली की गद्दी की लड़ाई में औरंगजेब के हाथों जब दारा शिकोह की हार हुई तब औरंगजेब उससे इतना नफरत करता था जिसका जिक्र इतिहासकार मनुची अपने किताब में लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि औरंगजेब ने दारा शिकोह को बंदी बनाकर उस दिल्ली की सड़कों पर उसे घुमाया जिस सड़कों पर दारा शिकोह को लोग खासा प्यार करते थे। उसके बाद दारा शिकोह का सर काट कर उसे हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया। उसके बाद दारा शिकोह की कब्र सैकड़ों साल तक गुमनामी के अंधेरे में रही, लेकिन फिर 2020 में भारत सरकार ने एक कमेटी बनाकर दारा शिकोह की विरासत को खोजने का काम शुरू किया। लेकिन दारा शिकोह की कब्र पर शोध का काम नगर निगम के हेरिटेज सेल के इंजीनियर संजीव कुमार ने शुरू किया। रिसर्च में कब्र का पहला सुराग औरंगजेब पर फारसी में लिखी किताब आलमगीर नामा से मिला। आलमगीर नामा में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि दारा शिकोह को गुम्बद के नीचे बने तहखाने में वहां दफन कर दिया गया जहां बादशाह अकबर के दो बेटे दानियाल और मुराद दफन। लेकिन इसमें दिक्कत हुमायूं मकबरे के तहखाने में जाने वाले 64 दरवाजे थे। फिर खोज के दौरान पता चला कि एक दरवाजे के बाहर कोई कब्र नहीं थी और उसका रास्ता हुमायूं गुंबद के पांचों तहखानों तक जाता है। से नॉर्थ की तरफ जो तीसरा दरवाजा है, पहला दूसरा तीसरा, उस दरवाजे से होकर के हम उस चैम्बर तक जा सकते हैं जहां दारा को दफन किया गया है। और खास बात ये भी है सर कि उस दरवाजे के बाहर कोई कब्र नहीं है। उसके बाहर कोई कब्र नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये पता था कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लोग इसके अंदर दफन है। तो शायद जाने के लिए उन्होंने बाद में किसी को यहाँ दफन ना होने दिया हो, संभावना है। इस शोध के दौरान संजीव कुमार ने हमें वो पुरानी कब्र भी दिखाई जिसे लोग दारा शिकोह की कब्र कहते रहे हैं। इसका रास्ता वही है। अच्छा, जो यहाँ जाने का रास्ता। तो अगर कोई नीचे से जाएगा और उससे आप पूछेंगे कि दारा कहाँ है तो इशारा करेगा इसके अंदर, और इसके अंदर पहली कब्र यही है। अच्छा, इसका जो ऊपर आके दिखती है। हाँ। ठीक है। हाँ। अंदर तक तो कोई जाता ही नहीं है। तो बहुत दिनों तक इसी को दारा शिकोह की कब्र मानते रहे। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि 5 तहखानों में बंद 13 कब्रों में हुमायूं की कब्र छोड़कर कैसे दारा शिकोह की कब्र की पहचान हुई। ये देखने के लिए हम संजीव कुमार के साथ एक के बाद एक तहखानों में कब्रों को देखने पहुंचे। लेकिन इसमें एक मुश्किल ये भी थी कि इन कब्रों में महिला और पुरुषों की पहचान कैसे हो। इस तख्ती, ये जो तख्ती बनी है कब्र पर, इसका मतलब जो है वो संजीव सर बता रहे हैं कि किसी महिला की कब्र है ये। हाँ, बिल्कुल जी। इसमें कोई कोई बेगम या कोई शहजादी दफन रही होगी, क्योंकि जितने लोग यहाँ मेंबर्स इस गुंबद के नीचे दफन रहे, जाहिर सी बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट कोई रॉयल फैमिली से, बिल्कुल अकबर या संबंधित। इसी तरह एक के बाद एक संजीव कुमार ने हमें 4 तहखानों की कब्रों को दिखाया। इधर से 5वीं कब्र की ओर चलते हैं, यहाँ पर दारा शिकोह की कब्र मौजूद है।
कब है, इसके बारे में ये है पांचवा। कहानी बिल्कुल अलग खुद नजर आ रही है। पहली चीज तो ये है कि तीनों जो है कलमदान है, ये तख्तियां नहीं है। अगर हम कब्रों की एक सापेक्षिक स्थिति को देखें, जो इसकी एक रिलेटिव पोजीशन है कि कौन आदमी कब आया होगा, उससे भी ये प्रूव होता है कि ये आदमी सबसे बाद में आया, और उससे ये प्रूव ये भी होता है कि इसके फीचर साझा के जमाने के हैं। और आलमगीरनामा भी इस बात की तस्दीक करता है कि ये वही कक्ष है कि जहाँ पर अकबर के बेटे और दानियाल मुराद और उसके बाद दारा इकंदर। अब संजीव कुमार ने हुमायूं के मकबरे की 150 से 160 कब्रों के बीच दारा शिकोह की एक कब्र खोजने का दावा किया है। उनके इस शोध पर भारत सरकार की 7 सदस्यीय कमेटी में से 4 सदस्यों ने सहमत भी दे दी है, जिसमें मशहूर पुरातत्वविद के मोहम्मद और बी आर मणि के अलावा मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब भी शामिल हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक एक्सपर्ट टीम बनाया था, क्योंकि दारा शिकोह का मकबरा कहाँ है, कब्र कहाँ है, ये लोकेट करने के लिए। तो उसमें मैं भी एक मेंबर था, और भी कुछ जना बहुत ही अच्छे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, मेरे सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट थी, उसी में मेंबर्स थे। इसमें जो म्यूनसिपल दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उन्होंने अपने सुझाव रखे। अच्छा, उनका खूबी यह था कि जना ही हैड ओरिजिनली टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल पर्शियन सोर्सेस, जितने भी जो लिटरेरी सोर्सेस हैं वो पूरा स्टडी किया, और उसके बाद जना मॉर्चरी आर्किटेक्चर, क्योंकि पहले हम लोग टॉम्ब आर्किटेक्चर स्टडी करते थे, इसको नेगलेक्ट करते थे, ये मॉर्चरी आर्किटेक्चर को, इन्होंने ये मॉर्चरी आर्किटेक्चर भी पूरा स्टडी करके एक कम्बिनेशन बना दिया था, एंड वो हमारा सामने रखा, तो हम लोगों को सबको जो ना वो सही लगा, और हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया। देन उन्होंने फिर जो ना अलीगढ़ का हिस्टोरियन के सामने भी वही रखा, उन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया। सो नाउ इट इज़ फाइनली कंफर्म दैट जो ना उनका जो मकबरा है, कब्र है, वो हुमायूं टॉम्ब में। आधुनिक भारत की संस्कृतियों में उदारता के तार मुगल कालीन शासक अकबर और दारा शिकोह जैसी शख्सियतों से भी जुड़ते हैं। यही वजह है कि भारत सरकार अब दारा शिकोह और अब्दुल रहीम खान खाना जैसे ऐतिहासिक किरदारों पर शोध के दरवाजों को खोलने पर जोर दे रही है। नई दिल्ली से जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।